वहीं बेंगलुरु में कल विपक्ष की महाबैठक का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बड़ी पार्टियों ने जो नेता थे उन्होंने शिरकत की। बैठक के बाद गठबंधन का नामकरण भी किया गया। इस बैठक में गठबंधन दलों ने पार्टी का नाम इंडिया रखा है। इसके बाद पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लगाए गए। इस पोस्टर में दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अगड़ा को साथ लेकर चलने की बात कही गई है। पटना की सड़कों पर पोस्टरों के जरिए इस गठबंधन को सभी समाज के लोगों का गठबंधन बताया गया है। पोस्टर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को दलित, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अति पिछड़ा और महादलित, राहुल गांधी और लालू यादव को पिछड़ा बताया गया है। देश के अंदर जब भी कोई राजनीतिक घटनाएं होती है तो पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पोस्टर वार पटना में एक बार फिर से शुरू हो चुका है। नए गठबंधन का नामकरण भी हो चुका है और इंडिया को लेकर अब पोस्टर लगाए गए हैं। कांग्रेस की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है जहां इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस बनने पर देश और बिहार की जनता को हार्दिक बधाई दी जा रही है। इस पोस्टर में सबसे महत्वपूर्ण दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित, अगड़ा और पिछड़ा की राजनीति की बात कही जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी से दूर आओ, हम मिलकर देश में गरीबों का राज लाएं, जीतेगा इंडिया। जब से ये गठबंधन बना है तब से चर्चा तेज हो गई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पिछड़ा, अति पिछड़ा, महादलित का प्रतिनिधि और राहुल गांधी को अगड़ा का प्रतिनिधि, लालू प्रसाद यादव को पिछड़ा का प्रतिनिधि बताया जा रहा है। इस पोस्टर के जरिए इस महागठबंधन को या मेगा गठबंधन को बड़ा गठबंधन बताया जा रहा है। देश के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है। कल ही इस गठबंधन का नामकरण हुआ और उसके बाद इंडिया नाम को लेकर काफ़ी चर्चा तेज हो गई। तो एक बार फिर से इन पोस्टरों के जरिए कहीं ना कहीं पटना की सड़कों पर इस महागठबंधन और मेगा गठबंधन को एनडीए गठबंधन से ऊपर बताया जा रहा है। देखना यह होगा ये गठबंधन आने वाले चुनाव में कितना कारगर साबित होता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ सनी न्यूज़ स्टेट पटना।